तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पुलिस में एक ड्राइवर के लिए वैकेंसी निकला है, तो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कब तक ऑनलाइन होगा, कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कितना सैलरी मिलेगा, कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप इसे देख रहे हैं, इसे किस तरह से और कहाँ से डाउनलोड करना है, ये वीडियो को अंत में बताएंगे दोस्तों। इसलिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह का न्यू वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए हमारा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो आप यहां पे देख सकते हैं, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल कर रखे हुए हैं दोस्तों। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसमें जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन सा क्वालिफिकेशन लगने वाली है। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे एक फॉर्म दिया गया दोस्तों, इसे भरकर आपको सबमिट करना होगा दोस्तों। देख सकते हैं यहां पे आपको फुल नेम डालना होगा, फादर नेम डालना होगा दोस्तों, यहां पे आप फोटो डालना होगा, देख सकते हैं एड्रेस डालना होगा। उसी तरह से देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया दोस्तों, आप देख सकते हैं अप्लाई कैसे करना है उसी के बारे में लिखा गया दोस्तों। तो चलिए ऑफिशियल साइट के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं, तो आप वीडियो अंत तक बने रहिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, टोटल वैकेंसी 412 पदों पर निकाली गई दोस्तों। आप यहां पे देखिए, ड्राइवर के पोस्ट पर इसमें वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। इसका आवेदन प्रक्रिया आप ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जॉब लोकेशन सेंटर पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए रहने वाली दोस्तों। अगर बात की जाए सैलरी के बारे में, तो आप यहां पे देख सकते हैं 20,000 से लेकर 63,000 रुपये तक पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगा दोस्तों। यहां पे देखिए, एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया है, जो सभी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी कैंडिडेट के लिए पैसा नहीं लग रहा। आप यहाँ पे देखिए, एज लिमिट के बारे में बताया गया दोस्तों, जो आपका एज 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच होना चाहिए दोस्तों, तभी आप आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। अगर आप ओबीसी का कैंडिडेट है तो 3 वर्ष अधिक छूट दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका एज 18 से लेकर 43 वर्ष के बीच होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी का कैंडिडेट है तो आपको 5 वर्ष अधिक छूट दिया जाएगा दोस्तों, यानी आपका एज 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। 10 अक्टूबर 2023 तक एज काउंट किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, हाइट के बारे में बताया गया है, जो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए, वही फीमेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर में आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है कि आवेदन करते वक्त कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगने वाली है, तो फोटो एंड सिग्नेचर होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एस टी ओ एस टी का कैंडिडेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लग सकता है दोस्तों, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है दोस्तों लग सकता है, इसमें और भी अदर डॉक्यूमेंट भी लग सकता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, सिलेबस के बारे में बताया गया है कि एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, कितना मार्क रहने वाली है उसी के बारे में लिखा गया दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट मारकर पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, टोटल समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा दोस्तों, 20 मिनट इसमें एक्स्ट्रा दिया जाएगा दोस्तों। ऑफलाइन से इसका एग्जाम होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, जो सबसे पहले रिटन एग्जाम लिखना होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ड्राइवर टेस्ट होगा दोस्तों, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा दोस्तों। अगर बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो 8वीं 10वीं 12वीं कुछ भी पास की है, आवेदन आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन का डेट स्टार्ट कब से होगा, उसी के बारे में पे डेट दिया गया दोस्तों। तो 30 सितंबर 2023 से आवेदन स्टार्ट होने वाली है और 9 अक्टूबर 2023 तक चलने वाली दोस्तों। तो आवेदन समाप्त होने से पहले जल्द आवेदन कीजिएगा, एडमिट कार्ड और एग्जाम का डेट अभी तक नहीं आया, जब भी आएगा हम एक और वीडियो बनाकर बताएंगे, इसलिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एड्रेस यहाँ पे दिया गया है कि फॉर्म आपको कहाँ पे भजा कर भरना होगा, देख सकते हैं एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं फॉर्म किस तरह से ऑनलाइन में भरना है, उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। इन सभी का लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन होकर हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम जवाब देने का जल्द प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे ही इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपसे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा दोस्तों, उस ईमेल आईडी पर ओके जैसे ही कीजिएगा, नीचे यहाँ पे कैंसिल और ओके का बटन दिया गया है, तो जैसे ही ओके कीजिएगा तो आपका फोन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं मेरे फोन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, आवेदन करने से पहले इसे एक बार जरूर पढ़ ले दोस्तों, क्योंकि इसमें और भी अधिक जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इसी तरह का न्यू वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब की जानकारी के साथ।